आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 585वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम दलसागर में खड़े हैं। हमने 584वें एपिसोड में भी आपको दिखाया था कि दलसागर में जवारे का विसर्जन किस तरह से हो पाएगा। अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं क्या स्थिति है दलसागर की। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक यहाँ ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज बनने के कारण दलसागर तालाब में पानी इस बार बारिश में नहीं भर पाया है। बहुत गंभीर मसला है। इस मसले पर कांग्रेस और भाजपा दोनों सियासी दल मौन हैं। उनके मौन का क्या कारण है ये तो वे ही बता सकते हैं, पर ये दलसागर इतना बड़ा जल भराव क्षेत्र है और इतने बड़े जल भराव क्षेत्र के कारण आसपास बहुत सारी जगह पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा एक सड़क यहाँ बनी हुई है और इस सड़क के बाजू में हमारे ठीक पीछे पिलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन पिलर्स के ऊपर एक फुटओवर ब्रिज बनेगा, पैदल चलने का ब्रिज बनेगा, जो वहाँ से यहाँ तक पैदल चलकर आ सकते हैं। अब अगर हम आपको यहाँ दिखाएंगे, हमारे पीछे आप देखिए तालाब में पानी कितना है आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर अक्टूबर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अक्टूबर में ये स्थिति यहाँ पर है और दलसागर तालाब का ये टापू ओपन बार में तब्दील है। पूरी जवाबदारी के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बियर की एक बोतल में हमारे पैर के पास यहाँ पर पड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। आप करीब से अगर देखेंगे तो बियर की बोतल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओपन बार में तब्दील है, इस बात में कोई संदेह नहीं। यहाँ पर भी अगर देखिए आप तो ये यहाँ पर भी एक शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी और सैकड़ों शराब की बोतलें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। हमारे पीछे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा अगर हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इस स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है वो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा आगे से हम दिखाते हैं। अभी यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है, यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर ये तैयार हो रहा है। और जो बताया गया है कि लगभग 24 या 25 फीट के लगभग ये स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा। स्ट्रक्चर ऊपर जाने के साथ में ये रॉड जो आपको दिख रही है तो स्लोप इसमें बनेगा, नीचे से लाइट्स आएंगे। एक लाइट ऊपर दलपत शाह महाराजा दलपत शाह की प्रतिमा इसके ऊपर लगेगी, नीचे से लाइट्स लगेंगी, ऊपर भी लाइट होगी। ये भैरवगंज की तरफ का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये पीछे का यहाँ कुछ पानी भरा हुआ है। कलेक्ट्रेट वाली जो ये कहा जाए कि BSNL के सामने वाली सड़क, वहाँ पर पानी आपको बिल्कुल भी भरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। कुल मिला के एक बुंदेलखंड की एक कहावत है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, तरीके की कहावत वहाँ पर चलती है, लोकोक्ति है। अर्थात जब जो सूरदास होते हैं, जो जिनके नेत्र नहीं होते हैं, वो जब कुछ पीसते हैं और कुत्ता खाता रहता है उन्हें पता भी नहीं चलता। ये स्थितियाँ सिवनी में हैं। बहरहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये राजा दलपत शाह की प्रतिमा अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये राजा दलपत शाह की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। ये लगभग 25 फीट ऊंची और इसका वजन जो अभी सूत्रों ने बताया, इसके अगर आप सामने से यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखते हैं अगर इस प्रतिमा को, तो ये प्रतिमा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। प्रतिमा तीन हिस्सों में बुलवाई गई है। ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला अगर हिस्सा देखेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊपर गर्दन तक का हिस्सा, और नीचे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर तो कमर के नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों की लगभग 12-13 टन का ये है। और बीच का जो धड़ का हिस्सा है वो भी 12-13 टन, इस तरह 25-30 टन की ये प्रतिमा बनाई गई है। उड़ीसा के कारीगर आए थे और उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा इस प्रतिमा को अभी पूरी तरह फिनिश नहीं किया गया है। इस प्रतिमा को अभी प्राइमर भर किया गया है। जैसे ही यहाँ पर ये तैयार होता है इसका स्ट्रक्चर,
उसके बाद इसे फिनिश किया जाएगा, इसे कलर किया जाएगा, और जो आपको ये बीच के गैप्स दिख रहे होंगे ये गैप्स पूरे भर दिए जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा को यहाँ एक साथ लाना संभव नहीं था, राजा तलपत शाह के नाम पर ये दलसागर है और राजा दलपत शाह की प्रतिमा लगभग ये 50 फीट ऊंची प्रतिमा रहेगी। इसे अभी तैयार फुल्ली पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। इसके बारे में जो जानकारी दी गई है 18-19 मई को, ठेकेदार के करीबी सूत्रों का कहना है कि 18-19 मई को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था इस साल। अब आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय सिवनी के विधायक थे और ये जिला मुख्यालय सिवनी में ये प्रतिमा राजा दलपत शाह की लगना था। नगरपालिका परिषद कांग्रेस की नगरपालिका परिषद है, कांग्रेस की नगरपालिका परिषद और कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद, ये कहा जाए कि उन्हें भी ना दिनेश राय को इस बात का इल्म शायद रहा, ना ही कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद को इस बात का इल्म रहा, ना कांग्रेस को, ना भाजपा को। 19 मई को अगर आप वर्क ऑर्डर दे रहे हैं 6 महीने में इस काम को पूरा करना और उस 6 महीने में काम को पूरा करना, वर्षा काल के 4 माह छोड़, अर्थात मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आपके व्यर्थ चले जाएंगे। अक्टूबर से काम आरंभ होगा, अक्टूबर से जो काम आरंभ होगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2024 तक ये प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए। ऐसी स्थिति में किस बात की जल्दबाजी थी कि अप्रैल में इस तालाब को खाली करा दिया गया। तालाब जब भी खाली होता है तालाब से गाद निकाली जाती है, सिल्ट निकाली जाती है, अर्थात जो भी गंदगी इसमें आती है, जो इसके पेट में समाती है, उस गंदगी को निकाला जाता है। इतिहास में पहली बार होगा सिवनी के इस दलसागर के साथ कि यहाँ सिल्ट नहीं निकाली गई, गंदगी नहीं निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे अपनी नंगी आंखों से ये बर्बादी देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर दक्षिण दो मंडल हैं, उत्तर मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, दक्षिण मंडल अध्यक्ष अभिषेक दुबे अपनी नंगी आंखों से ये पूरी बर्बादी देखते रहे। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना अपनी नंगी आंखों से ये बर्बादी देखते रहे जो यहाँ पर पैसों की होली खेली जा रही थी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल अपनी नंगी आंखों से ये सब बर्बादी देखते रहे, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। उसका कारण यह है कि पहली बार बरसात में सिवनी के साथ ये मजाक हुआ है, पहली बार सिवनी के साथ ऐसा मजाक हुआ है बरसात में दलसागर भर ना पाया हो, अन्यथा इन दिनों में 15 अगस्त के बाद इन दिनों में यहाँ पर मछली का बहुत बड़ा व्यवसाय होता था, मछुआरों को रोजगार मिलता था, मछुआ समाज को रोजगार मिलता था, उन लोगों को रोजगार मिलता था जो यहाँ पर मछली पालन का काम करते हैं। उनके मुंह से निवाला किसने छीना, यक्ष प्रश्न यही है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या और कोई भी दल, दीगर जितने भी दल हैं, कोई भी दल इस मामले में आज तक चुप्पी किसी ने नहीं तोड़ी है। 2-3 दिन के बाद अभी नवरात्र है और नवरात्र में जवानों का विसर्जन इसी दलसागर तालाब में होता था। शफी खान कांग्रेस की ओर से नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, जवानों का विसर्जन यहाँ कहाँ हो पाएगा, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों से समाचार एजेंसी के लिए ने चर्चा करी तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि यहाँ पर गड्ढा खोदा जाएगा जिसमें जवारों का विसर्जन होगा। सवाल यही कि गड्ढा जो खोदेगा उस गड्ढे का भोगमान, खोदे जाने का भोगमान कौन भोगेगा, नगर पालिका परिषद उस गड्ढे को खुदवाएगी अपने डीजल, अपनी जेसीबी, अपने कर्मचारियों को लगा के, ठेकेदार जो यहाँ ये काम कर रहा है ठेकेदार के द्वारा कराया जाएगा, या कोई जनप्रतिनिधि उसमें अपनी जेब का पैसा देगा, सवाल इस बात का। और अगर जेब का पैसा कोई देगा तो क्या अपने आयकर में उसे
उस चीज का उल्लेख करेगा। ये कहना कि सिवनी में हर एक सियासतदार के द्वारा सिवनी के लोगों के साथ को छला गया है अतिशयोक्ति नहीं हो। यहाँ राजा दलपत शाह की विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है। ठेकेदार के करीबी सूत्रों का कहना है राजा दलपत शाह की प्रतिमा 20 से 25 दिन में पूरी तरह यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और 25 दिन के अंदर अगर चाहें तो इस राजा दलपत शाह की इस सुंदर प्रतिमा को यहाँ स्थापित करके उसका उद्घाटन कराया जा सकता है। सवाल इसी बात का है कि राजा दलपत शाह की इस प्रतिमा का उद्घाटन चुनाव के पहले हो पाएगा अथवा नहीं। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हुआ है, प्रतिमा का उद्घाटन होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 17 नवंबर को मतदान है, उसके पहले ठेकेदार के सूत्रों का कहना है उसके पहले तैयार हो जाएगा। अगर ये उसके पहले तैयार हो जाएगी तो क्या इसे इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा बिना किसी राजनीतिक दल के सामान्य कार्यक्रम के तहत चुन निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर इसका उद्घाटन कराया जा सकता है अगर चाहें तो। पर होगा या नहीं, या इसका श्रेय भी कोई ना कोई ले, जब पता था कि बारिश के 4 माह 19 मई के बाद कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर सकते हैं, काम में व्यवधान डाल सकते हैं, तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर से इस प्रतिमा को यहाँ लगाने का ताना बाना बुना जा रहा था, तब आखिर इस प्रतिमा को लगाने के लिए नवंबर में ही इस दलसागर को खाली क्यों नहीं करा दिया गया। मई से लेकर अब अगले साल जुलाई तक ये दलसागर खाली ही रहेगा। इस सब के लिए जवाबदेह कौन? हमारे पीछे आपको अगर हम दिखाएं, देखिए वहाँ जेसीबी लगी हुई है, डंपर से मिट्टियाँ निकाली जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं निकाली, कहीं किसी ठेकेदार को जरूरत होगी इसलिए वहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है। देखा जाए तो इसके पहले कौन हो रही पीढ़ी इस बात से उसको बेहतर जानती होगी, पर अभी नई परंपराएं सिवनी में आना आरंभ हो गई, नई परंपराएं चलने लगी हैं कि जिसका जो मन होता है करता है, विरोध करने वाला कोई नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी 80 के दशक तक, कांग्रेस सत्ता में होती थी भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों का विरोध करती थी और वो विरोध पूरा जिला हिल जाया करता था। भाजपा सत्ता में होती थी कांग्रेस विरोध करती थी, पूरा जिला हिल जाया करता था। लोगों का एक सामान्य आरोप है कि कांग्रेस भाजपा मिल चुकी है 90 के दशक से एक और परंपरा आरंभ हुई है, स्थानीय मुद्दों पे कभी बहस नहीं होती। सोशल मीडिया पर अगर आप देख लें तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, इन पर बहस होती है। कभी इस जलसागर पर बहस आपने नहीं देखी होगी, कभी इस मॉडल रोड पर बहस नहीं देखी होगी, कभी आपने जलावर्धन योजना पर बहस नहीं देखी होगी। लोगों का यह भी कहना है कि 90 के दशक के बाद जब से विमला वर्मा ने सक्रिय राजनीति से किनारा किया, उसके बाद से जिले में इस तरीके की राजनीति आरंभ करवा दी गई है कि स्थानीय स्तर पर एक दूसरे को कुछ नहीं कहा जाए, स्थानीय स्तर पर हम सब भाई भाई हैं, मिलकर चलें, मिलकर भ्रष्टाचार करें, लोगों का कहना हम नहीं कहते, मिलकर भ्रष्टाचार करें, मिलकर गलत काम करें, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेताओं पर कीचड़ उछालें, उन पर लांछन लगाएं, जैसे हमारा कद उनके बराबर का हो। क्या सिवनी में एक भी कांग्रेस या भाजपा के नेता का कद राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के समकक्ष है? क्या सिवनी में किसी एक भी नेता का कद शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रहलाद पटेल के समकक्ष है? अगर नहीं तो उन पर कीचड़ उछालने का औचित्य क्या है, उनके बारे में बात करने का औचित्य क्या है? क्यों डरते हैं स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष, स्थानीय पार्षद के बारे में बात करने से? ये हम नहीं कहते, लोगों का कहना है। बहरहाल
प्रतिमा आपके सामने खड़ी हुई है राजा दलपत शाह की, लगभग 25 फीट की प्रतिमा, 25 फीट का स्ट्रक्चर, 50 फीट की प्रतिमा लगेगी, नीचे से लाइट्स रोशन होगी, ऊपर से लाइट पड़ेगी, पर एक साल ये दलसागर खाली रहा है। किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं दिनेश राय, उसके पहले निर्दलीय रहे हैं। नगर पालिका परिषद कांग्रेस के शफीक खान के नेतृत्व में है। दोनों इस मामले में पूरी तरह मौन ही नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए मैं लिमटी की लालटेन के 585 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 586 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत देना चाहेंगे। जय हिंद।